हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइन। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज 18x30। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको 2 BHK प्लान कंप्लीट मिलेगा, देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी 3D में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा प्लान कम्प्लीट मिलता है आपको 18x30 में, देख सकते हैं। इसमें आपको 2 BHK पूरा कंप्लीट मिलेगा। यहाँ पे आपको अच्छी खासी बाइक पार्किंग मिलेगी, देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एलिवेशन मैंने कुछ इस तरीके से दिया है आपको। यहाँ पे कोई कॉस्टली चीज यूज नहीं की है, पूरा ब्रिक से बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले बात आती है एंट्री गेट की। एंट्री गेट मैंने यहाँ पे 5 फिट का दिया है, ये गेट आपका 5 फिट का लगा हुआ है, देख सकते हैं। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको अच्छी खासी बाइक पार्किंग दिख जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से आपको बाइक पार्किंग दिख जाएगी। 8x6 का यहाँ पे स्पेस दिया गया है आपको, ये आपका 8x6 का स्पेस दिया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 फिट का स्पेस दिया गया है, यहाँ पे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना हो। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्लान में, यहाँ पे आपका 2 फिट का स्पेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से एंट्री गेट देखेंगे और वेंटिलेशन के लिए विंडो देखेंगे। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको बैठक में आ जाना है। यहाँ पे आप सबसे पहले बैठक में आ जाएंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी पूरी बैठक मिलेगी कम्प्लीट। इस बैठक का मैंने साइज दिया हुआ है 9x14, 9x14 की बैठक है आपकी पूरी, 9x14, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ तरीके से आपको यहाँ पे जीना दिख जाएगा, ये 3 फिट का आपका स्पेस दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जीना दिख जाएगा कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पे आपको जीना मिल जाता है। ये जीना आपका 3 फिट का दिया गया है, 3 फिट का इस साइड का है और 3 फिट का इस साइड का जीना दिया गया है, देख सकते हैं। जीना आपका कुछ इस तरीके से दिया है पूरा कंप्लीट, देख सकते हैं। उसके बाद जीने के नीचे यहाँ पे आपको लेट बाथ कंबाइंड मिल जाएगी, जीने के नीचे यहाँ पे आपको लेट बाथ कंबाइंड मिल जाएगी, जिसका साइज आपको मिलता है 5x5, 5x5 का साइज मिलता है आपको यहाँ पे, लेटरिंग बाथरूम का साइज मिलता है 5x5। उसके बाद यहाँ पे आपको जीने के जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट आपको दिखेगा, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी आपको दिखेगी। इस गेट से आप एंट्री लेते हैं तो आपको यहाँ पे बेडरूम दिख जाएगा एक, यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 8x11, 8x11 इस रूम का साइज है 8x11, देख सकते हैं 8x11 इसका साइज दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट दिखेगा, वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले किचन दिख जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक किचन मिल जाती है। ये आप किचन आप ओपन भी बना सकते हैं अपनी। इस किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 5x8, 5x8 इसका साइज दिया हुआ है किचन का, देख सकते हैं 5x8। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको एक एंट्री गेट दिखेगा, देख सकते हैं 3 फिट का आपका गेट दिया हुआ है। इस गेट से अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको रोड साइड से आपको यहाँ पे एक बड़ा सा आपको बेडरूम मिल जाता है रोड साइड से, देख सकते हैं, जिसका आप वेंटिलेशन में रोड साइड से भी दिया है और इधर से भी दिया है। यहाँ कूलर भी लगा सकते हैं आप, इस साइड भी कूलर लगा सकते हैं, देख सकते हैं। इंटीग्रेट मैंने कुछ इस तरीके से आपको उपलब्ध कराया है। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x11, 10x11 इस रूम का साइज दिया 10x11। तो यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर में 2 BHK प्लान पूरा कंप्लीट मिलता है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी बाइक पार्किंग मिलती है 8x6 की, देख सकते हैं। अब बात आती है अटिया की और एलिवेशन की। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी पूरी कंप्लीट अटिया बनी हुई है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका इंटीग्रेट दिया गया है अटिया का। यहाँ पे आपकी कंप्लीट अटिया बनी हुई है। एलिवेशन मैंने कुछ इस तरीके से दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्लास का यूज किया है, अटिया में आपके उजाला बना रहेगा, देख सकते हैं। फ्रंट का एलिवेशन मैंने कुछ इस तरीके से दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके डिजाइनिंग बनाई है पूरी। यहाँ पे कोई कॉस्टली चीज़ यूज नहीं की है।
उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आज प्लान पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो में धन्यवाद।